मोदी, शाह योगी, गांधी बाबू, सबका मसला मजलिस है, ओवैसी ब्रदर है ये मजलिस। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे आप सब? मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से है? और मेरा नाम कार्ड नहीं दिया था असल में ना, वो ये जो कैमरा है ना हमें नजर नहीं आ रहा ट्राइपॉड का ना, मतलब बैक से है ना, फ्रंट पे है नहीं। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, वेलकम टू आवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज की हम बात आप लोगों से ये करना चाहते हैं कि फिर बोलते हैं मजलिस क्या कर ली, क्या करे, करी आई आया है ना करी। तो व्यूअर्स, हमारी ये टाइटल है इस वीडियो का नरेंद्र मोदी साहब है, बड़ी इधर बातें लिखी हुई है, बड़े बड़े लोगों के टाइटल फिक्स किए हुए। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो तो बहुत छोटी सी है, डिस्कशन थोड़ा सा हम लोग लंबा कर लेंगे, क्योंकि यार देखें, जब पॉलिटिक्स की बात है तो पॉलिटिक्स में जितनी भी बातें होती है तज्जिया निगार कहा जाता है जी। इस टाइम हम लोग रिएक्शन वाले नहीं है, इस टाइम हम लोग है तज्जिया निगार, ठीक है? तो जो तज्जिया करते हैं यार, मतलब एक बातों को बगीचा खोल के रख देते हैं। क्योंकि यार देखें, अब मैं अब एक छोटी सी जनरली बात करता हूँ कि यार अकबरुद्दीन अवैसी साहब की बात करें और असदुद्दीन साहब की बात करें, तो यार ये दोनों ऐसे पॉलिटिक्स करते हैं ना कि ये हर किसी के साथ, मतलब सपोर्ट के साथ चलते हैं, ठीक है? मतलब हर बंदे को सपोर्ट बताते हैं, हर बंदे का ख्याल रखते हैं, हर बंदे को एक साथ लेके चलते हैं, मतलब गरीबों का साथ नहीं छोड़ते हैं, गरीबों की इतनी हेल्प करते हैं, घर घर जाकर लोगों की हेल्प करते हैं। तो यार ये छोटी बात नहीं है, फिर सच्चाई से चलते हैं। और दूसरी बात, आप ये देखें, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। देखें, अब मैं एक और बात करना चाहता हूँ, लोग क्या कहते हैं कि यार ये सब एक पैसे के लिए। भाई अगर पैसे के लिए हो ना, तो मैं एक छोटी सी आपको ये बात करना चाहता हूँ कि इनके स्कूल्स चल रहे हैं, उनसे करोड़ों कमा सकते हैं। वो बता भी नहीं सकते कैसे कमाए वो। लेकिन अच्छा, स्कूल्स के अंदर का उन्होंने कितना क्लीननेस रखी हुई थी, स्टार में यूनिफॉर्म बच्चों के देखे आपने, बहुत प्यारे थे, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, बिल्कुल। के स्कार्फ बच्चियों को दिया गया है, इज्जत दी गई है, और जो वुमेन्स है उनके लिए अंदर काम खोला गया है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप ये देखें कि हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री एक जो जितना भी इलाज होता है, ठीक है, वो फ्री है। मतलब कोई भी बीमारी लेके जाता है, क्रॉनिकल डिसीज है या कोई छोटे मोटे डिसीज है, तो उसके लिए भी एक फ्री इलाज है। तो यार ये कोई छोटी बात नहीं, अगर इस बंदे ने पैसे कमाने होते या पैसे की भूख होती तो ये हॉस्पिटल से करोड़ों कमा सकता था, स्कूल से करोड़ों कमा सकता था, जो उसके कॉलेजेस चल रहे हैं उनसे करोड़ों कमा सकता था। और भी इसके अलावा भी इनकी लाइफ इतनी है कि इनके बिजनेस वगैरह चल रहे हैं, इनके पास कार्स वगैरह, घर माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, तो ये कमाना चाहते तो ये इस टाइम टाइकून बने हुए थे इंडिया के। कमेंट आया था कि ये लोग खानदानी रिच है, बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो ये तो लालच करते रहते पैसों की। भाई आप ये देखिए, आप सारी बातें छोड़े, आप जो ये देखें कि बैरिस्टर है, लंदन से पढ़कर आए, और अगर ये लंदन जाकर अपनी एजुकेशन के थ्रू अगर कोई जॉब करते हैं, तो इंडियन या पाकिस्तानी, अगर इंडियन की बात करें तो मिनिमम जो है ना वो 50-60 लाख इनकी सैलरी बनेगी, और पाकिस्तान की बात करें तो 80-90 लाख पर मंथ की सैलरी बन सकती है और ये ले सकते हैं। लेकिन ये जो है वो मदद कर रहे हैं अवाम की, लोगों की, अपना देखे टाइम, अपना पैसा, अपना वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं एक लोगों की खिदमत के लिए। तो यार ये बहुत बड़ी बात है, ये बोलना आसान होता है लेकिन लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल। अभी देखें आप, जो पॉलिटिक्स की बात होती है ना, पॉलिटिक्स के अंदर लोग क्या करते हैं जी, जो मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल ठीक है। तो भाई उसकी लाठी उसकी भैंस, वो भी देखिए कि लाठी किसकी और भैंस किसके पास है, समझ रही है ना, भैंस किसके पास है। अभी तो लाठी जिसके पास है ना वो भी काम खराब है, जिसके पास भैंस है उसको भी समझ नहीं आ रहा कि जाना किधर है। ये बात हो रही है अंधभक्तों की, ठीक है। अंधभक्त जो है वो भी मेरे फेवरेट है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये उनको कहना चाहता हूँ, मेरी देखे हर वीडियोस के अंदर ये होता है कि भाई आप अपनी आंखें खोलें, समझदार बने हैं, समझदार बने, देखें आप अपने आप को बताएं कि यार हम किसको सपोर्ट करते हैं। देखें आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो आपके राइट से बोल रहे हैं, क्या वो आपके लिए बोल रहे हैं, क्या वो आपको एक, देखिए मैं एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा व्यूअर्स, लीडर या एक हम बात करें इसकी जो होते हैं मतलब प्रेसिडेंट लीडर सेम लाइक ना, तो ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ऐसे गोंद की तरह जोड़ के रखना, ठीक है, इन चीजों को जोड़ के रखना। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो लीडर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को जोड़ के रखें कि भाई हमारे हिंदू ही बस ठीक है, बाकी मुस्लिम जो है निकले यार पाकिस्तान जाए, तो ये बहुत अजीब हो जाता है। तो व्यूअर्स पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई यार हमारी डिस्कशन में, थ्री टू वन पिल्ले। मोदी, शाह, योगी, गांधी बाबू, सबका मसला
मजलिस है ओवैसी बरादर है। ये मजलिस ये परिवारवादी है कि नहीं, एक ही परिवार सब कुछ करता है कि नहीं करता है, उन्हीं के परिवार के लोग पद पर है कि नहीं है, चाहे मजलिस हो या कांग्रेस हो, ये सारे दल देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं मुख्यमंत्री ने मजलिस के पैर में बैठना पड़ेगा, टीआरएस पार्टी मजलिस के साथ इलू इलू कर रही। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है ओबीसी को यहाँ से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। चाहे वो MIM हो चाहे वो TRS हो, ये दोनों के दोनों BJP और RSS की मदद करते हैं। महाराष्ट्र में MIM गया चुनाव लड़ा, असम में जाके चुनाव लड़े, क्यों लड़े? नरेंद्र मोदी जी की मदद करने के लिए। MIM सीट ने MIM को वेलिबेटेसी कदा కొత్త ఫ్రంట్ క్రియేట్ చేస్తాడంట, ఎవరో అసౌద్దీన్ కేసీఆర్ కలిసి బి టీమ్ కింద తయారు చేసి మోడీ గారికి బి టీమ్ గా ఈ ఇద్దరు పనిచేస్తారా అని అడుగుతున్నా। ఢిల్లీ మే నరేంద్ర మోదీ ఆర్ యహా కేసీఆర్ ఆర్ MIM ఆర్ యే దోనో ఏక్ దూసరే కా మదద్ తీనో ఏక్ దూసరే కా మదద్ కర్తే హై। ఇత్నా కరే ఉస్కే బాద్ బి పూచ్తే మజ్లిస్ క్యా కరే, ఇస్కా జవాబ్ मोदी ने दे दिया, शाह ने दे दिया, गांधी ने दे दिया, योगी ने दे दिया, बाबू ने दे दिया, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मसला अगर है तो वो मजलिस है, वो ऐसी बात है। सही बात है। फिर लोग पूछते मजलिस क्या कर रही है? सही है। भाई मजलिस बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, ठीक है। अच्छा मैं राहुल गांधी साहब की दो बातें बताना चाहता था, मतलब वो दो काम में बहुत फेमस है, मैं बताता हूँ उसके। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, और खत्म गया, गुड बाय, टाटा, बाय बाय, गया, बस, सॉरी 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 सॉरी। यार आप ये देखें कि मतलब अवैसी ब्रादर जो है यार इज अ ग्रेट मैन, मतलब अकबरुद्दीन साहब इतनी यार फेमस है। भाई देखें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर वो पार्टी स्ट्रांग नहीं है, आई मीन सब कहते हैं ना स्ट्रांग नहीं है, एक एक टाइम से मान लेते हैं, ठीक है यार स्ट्रांग नहीं है, छोटी पार्टी है, पार्टी में दम नहीं है। व्यूअर्स एक मिनट पहले सुने, मैं बोलना क्या चाहूँ, ठीक है यार समझ आ रहा है, पार्टी में स्ट्रांग नहीं है, दोनों भाई कमजोर है, लाचार है, सब कुछ, तो भाई फिर इतनी डिस्कशन क्यों है? मोदी साहब क्यों घबरा रहे हैं, अंधभक्त क्यों घबराते हैं, योगी साहब क्यों परेशान हो जाते हैं दो भाइयों से क्यों? हाँ, डिस्कस तो इस बात का सवाल है, डिस्कस इनका क्यों होता है? मीडिया पे अगर ये बैठ जाए, मीडिया पे अगर ये बैठ जाए तो दुनिया ऐसे ऐसे खबराती, यार वैसी आ गए, ओए ओए काम खराब हो गया, यार अकबरुद्दीन आ गए, ओए ओए यार ये क्या हो गया, ओ यार इसने 15 मिनट क्यों बोल दिया। भाई अगर आम बंदा है तो इतनी टेंशन क्यों है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जैसे मुस्लिम्स में अगर आप देखें, मैं पहले भी वीडियो बता रहा था कि यार मुस्लिम्स थोड़े से हैं आपके देश में, 13-14 करोड़ होंगे, 22 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, 30 लगा लो यार, अरबों के हिसाब से आपकी वो है जनता है जो सब हिंदू है, उसके बावजूद भी आपको मुस्लिम से प्रॉब्लम है, नेता आपके हिंदू हैं, प्रेसिडेंट आपके हिंदू हैं, वजीर आजम आपके हिंदू हैं, उसके बावजूद मुसलमान बेचारे कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी आपसे मुसलमानों की टेंशन है, मुसलमानों से खौफ है, क्यों जी? उनके पास तो कोई सीट भी नहीं, कुछ भी नहीं है, जो एक दो सीटें हैं असदुद्दीन अवैसी उनसे भी आपको कांपे जा रहा है, क्यों? मैं इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, जो सच होता है ना सच, वो बहुत खतरनाक होता है, वो गोंद की तरह होता है, जहां पड़ता है ना चिपका देता है उसको, जो झूठ होता है ना वो फैलता जाता है पानी की तरह, जहां जहां जाता है ना ज्यादा जो जाता है ना पानी, जैसे फसलों के अंदर जो हमारे एक लीडर है बिलावल, वो क्या कहते हैं, कहते हैं जब बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, तो जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है, ठीक है मैंने टेढ़ा बोल दिया, लेकिन पानी वो जिधर जिधर जाता है ना फसलों में, तो वो फसल ज्यादा ज्यादा जाती है, तबाह होना शुरू हो जाती है। तो झूठ की मिसाल भी ऐसे ही है कि जितना झूठ बोला जाता है ना, वो जिस जिस फसल में जाता है फसल तबाह हो जाती है। सच क्या होता है? वो गोंद की तरह होता है, जहां जाता है ना वो जम जाता है, फिर उसको उखेड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो सच होता है कि वो एक जुड़ा हुआ होता है। तो इसी तरह भाई ये दो भाई जो है ना बड़े सच्चे हैं, इनको ऊपर वीडियो के रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि यार हमें मतलब मजा आता है, हमें ये समझ आती है कि यार हक क्या है, सच क्या है, कि लीडर क्या होता है। रिएक्शन देने का हमारा मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इनको एंजॉय कर रहे हैं,
या मजा ले रहे हैं। हमारा इसमें रिएक्शन देने का मकसद ये है कि भाई हम इनसे कुछ सीखें, हमारे लीडर इनसे कुछ सीखें, हमें पता चले कि यार इनकी लाइफ क्या होती है, सियासत क्या होती है, पॉलिटिक्स किस तरह चलती है, मुल्क किस तरह चलाना पड़ता है। तो इन दो भाइयों की वजह से बहुत बहुत तरक्की हो सकती है भाई, अगर कोई समझदार इंसान है और अगर इनको फॉलो करना चाहता है तो उसकी लाइफ बन सकती है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी बात कुछ समझ आई है तो प्लीज कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये लाजमी कर दिया करो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत।